सो हाय गाइस, आदर्श हियर। ये आपको नहीं लगता है कि ये जेईई मेंस के एग्जामिनेशन को मजाक बना के रख दिया गया? सच सच बताना, मतलब मैं जेईई मेंस को फॉलो कर रहा हूँ 2015 से। 2015 में देखा, 2016 में देखा, 17, 18, 19 तक देखा, लेकिन मुझे लगता है कि जेईई मेंस की जो एग्जामिनेशन है, जिस तरीके से इसको कंडक्ट कराया जाता है, इतना बुरा कंडीशन इसका कभी नहीं हुआ है कि डेट्स तक भी फिक्स नहीं की जा सकती हो। अब ये मजाक नहीं तो क्या है? मैं आपको वैसे लेटेस्ट न्यूज़ ये दिखा देता हूँ, डेट्स को कितना चेंज किया गया। पहले तो ये देखो, फर्स्ट सेशन जो था पहले आपका, वो अप्रैल और मई में खत्म हो जाने वाला था, और अब उसको बढ़ा के जून कर दिया गया है। और सेकेंडली यार, आप लोग सेकेंड सेशन को देख सकते हैं, वो जुलाई कर दिया गया। इतने बड़े लेवल पे एग्जामिनेशन होता है, नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन है, और यकीन मानो यार, डेट्स इनसे फिक्स नहीं होता है। तो अगर आपको यही डेट्स दे देते, अगर ये डेट्स आपने 2 महीने पहले दे दिए होते, तो कई सारे स्टूडेंट जो कि शायद ये सोच के बैठ गए होंगे कि अब तो यार मेरे पास 1 महीने या 2 महीने है, मैं सोचता हूँ कि ड्रॉप ले लेता हूँ, अगले साल प्रिपरेशन करूँगा, शायद वो थोड़ा सा और एनर्जी लगा सकता था, थोड़ा और मेहनत कर सकता था। उन्होंने कुछ एग्जामिनेशन के फॉर्म तक नहीं डाले होंगे इसके चलते कि मेरे जेईई मेंस की एग्जामिनेशन होने वाली है, मैं उसी डेट में उस फॉर्म को कैसे भरूँ, और वो डेट्स भी चली गई हूँ। अगर ओपन हो जाती है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ओपन नहीं होती है तो वो भी गया कि नहीं गया। वो ये बतानी थी यार कि करेक्शन, अगर आप करेक्शन करना चाहते हो तो करेक्शन आप लोगों का 8 अप्रैल तक करेक्शन आपका हो सकता है। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आपने आधार वेरीफाई कर लिया तो आपके लिए अदर कंडीशन है, अगर आपने आधार वेरीफाई नहीं किया तो आपके लिए अलग कंडीशन है। अगर आपने आधार वेरीफाई कर लिया है तो आप कैंडिडेट नेम को नहीं बदल सकोगे, फादर और मदर में से किसी एक नाम को बदल सकोगे। अगर आपने आधार वेरीफाई नहीं किया है, इन दैट केस वो सारी चीज़ों को आप बदल सकते हैं, और भी बहुत सारे लिस्ट है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, उसी हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें आप लोग चेंज कर सकते हो, और जो जेईई मेंस की एप्लीकेशन फॉर्म है उनमें आप लोग बदलाव फिर कर पाओगे। अब मैं आप लोगों को कुछ यार बुक के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली आपकी जेईई मेंस की प्रिपरेशन के लिए। मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर के बुक्स के बारे में पहले बताया था, है ना, अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सुपर मॉक टेस्ट की जो बुक आती है उसके बारे में, और इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए एक बुक आती है एनटीए जेईई मेन 101 स्पीड टेस्ट। तो अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि भाई टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करूं, तो ये दोनों बुक आप लोग ले लीजिएगा। दोनों ही डिफरेंट टाइप के बुक्स हैं, एक में आपका फुल लेंथ टेस्ट है और एक में आपका चैप्टर वाइज टेस्ट है, और दोनों में ही आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे, माइंड मैप मिल जाएगा, और फिर आप लोगों को ये भी इसमें पता चल जाएगा यार कि कौन से लेवल के क्वेश्चन हैं, डिफिकल्ट लेवल, इजी लेवल, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएंगी। तो अगर आप ये बुक की प्रिपरेशन करते हो और साथ ही साथ अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हो, अभी के लिए ये चीज़ इनफ होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये दोनों बुक की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप लोग परचेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेरे लिंक से ही परचेस करो यार, मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ। अगर आप मतलब आपके पास अगर पहले से ही कोई बुक है तो फिर खरीदने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो फिर खरीद लीजिएगा, और मेरे ही लिंक से मत खरीदिए, अगर आपके आसपास में कहीं दुकान से भी चाहो तो वहाँ से भी जाके आप खरीद सकते हो, ठीक है। और ये बुक में यार उसकी सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाएगी और लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दो बुक है जो दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आते हैं, ये दोनों बुक को अगर आप चाहो तो परचेस कर सकते हैं।